हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमीराज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी लगती है ये सब्जी, यकीन जानिए अगर आप एक बार बनाएंगे तो इस सब्जी को खाने के लिए आपका बार बार मन करेगा। चलिए आलू टमाटर बनाना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालूंगी कढ़ाई में। कुकिंग ऑयल मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा कम ज़्यादा आपको रखना हो। और कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, थोड़ा गर्म मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने हाफ टी स्पून जीरा लिया है, ये ऐड कर दूंगी इसमें। मैंने 7 से 8 काली मिर्ची ली है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। और 1/4 टी स्पून के आसपास मैंने हींग ली है, 1/8 टी स्पून। और इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और इसे थोड़ा मिक्स करूंगी। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1/8 टीस्पून हल्दी, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। हल्दी हमें बहुत ही कम डालनी होती है, मैंने इसीलिए कम ली है। मसालों को लहसुन अदरक में अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटरों को अच्छे से गलने देंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं और इन्होंने तेल को भी अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। करीब 200 ग्राम आलू लिए हैं मैंने, और ये मैंने इन्हें ऐसे लंबा लंबा कट किया हुआ है। आप अपनी पसंद के हिसाब से आलू कट कर सकते हैं। करीब 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे हम आलूओं को। इस तरह से आप आलू टमाटर की सब्जी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी बन जाती है। और आलू भूनते टाइम इसमें 2-3 हरी मिर्च भी ऐड कर दें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी का। 2 से 3 मिनट हमने आलूओं को मसाले में डाल के अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हमें पानी इतना डालना है जितने में ये आलू गल भी जाएं और हमें जितनी इसकी तरी रखनी हो। 1.5 कप के करीब मैं पानी ले रही हूँ, और अब मैं इसे कवर कर दूंगी कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि आलू अच्छे से गल जाए। 5 मिनट हो गए हैं आलू टमाटर को पकते हुए, आलूओं को चेक कर लेते हैं कि गले हैं कि नहीं गले। आलू अच्छे से गल चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। उसमें ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हमारे तरी वाले आलू टमाटर बनकर तैयार हैं। हमारी आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी बनकर तैयार है, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। प्लीज़, आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ देखने के बाद मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।